अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, जय हिंद। मैं सैदा नाहिदा कादरी, एनआरक्यू 24 न्यूज़ की एडिटर इन चीफ एंड खिदमत खल्क खशन की प्रेसिडेंट। चलो पीर बंगाली ग्राउंड गुलबर्गा। जी हाँ, ये आप लोगों को एक इशारा दिया जा रहा है कि चलिए पीर बंगाली ग्राउंड गुलबर्गा। गुलबर्गा में पीर बंगाली ग्राउंड के नाम से बहुत ही बड़ा मैदान है, जहां पर बहुत ही बड़े पैमाने पर तिरंगा सम्मेलन रखा गया है। CAA, NRC, NPR के खिलाफ जन आंदोलन किया जाएगा वहां पर, और हमें हमारे हक की लड़ाई लड़ना है। तो इंशाल्लाह ताला मैं भी हैदराबाद से गुलबर्गा जा रही हूँ कल, यानी कि 21 जनवरी, ट्यूजडे, यानी कि कल मंगल के दिन दोपहर 3 बजे से लेकर शाम 10 बजे तक ये जन आंदोलन किया जाएगा, जिसमें कई सारी लाखों की तादाद में आवाम इसमें शिरकत करेगी, इसमें हिस्सा लेगी। तो मैं भी इंशाल्लाह ताला हैदराबाद से गुलबर्गा जाऊंगी इस जन आंदोलन में शामिल होने के लिए। तो मैं अपने जितने भी फॉलोअर्स हैं मेरे, जितने गुलबर्गे में, कर्नाटक में जितने भी मेरे फॉलोअर्स हैं, तमाम लोगों से मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप लोग भी अपने अहले अहबाब के साथ, अपने पूरे तमाम घर वालों के साथ, अपने खानदान के लोगों के साथ इस जन आंदोलन में आप लोग शामिल हो जाइए। पीर बंगाली ग्राउंड में ये आंदोलन होने वाला है कल, यानी कि मंगल के दिन 3 बजे से लेकर शाम 10 बजे तक आंदोलन रहेगा। हमें अपने हक की आवाज उठानी है। CAA, NRC, NPR का जो फैसला है हुकूमत का, वो हुकूमत को वापस लेना पड़ेगा। जब तक हुकूमत ये फैसला वापस नहीं लेगी, हम बराबर इसके ऊपर एहतजाज करते रहेंगे, अपना एहतजाज हमें जारी रखना है। और मैं हैदराबाद की भी तमाम लोगों से रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप लोग भी अपने कीमती वक्त में से कुछ वक्त निकाल कर हैदराबाद से आप लोग भी गुलबर्गा में पीर बंगाली ग्राउंड जहाँ पर है, वहां पर आप लोग भी शामिल होइए इस रैली में, इस जन आंदोलन में आप लोग भी ज्यादा से ज्यादा तादाद में हिस्सा लेने की कोशिश करिए। खुदा हाफिज़, जय हिंद।